सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी है। कोर्ट ने एक्ट को संवैधानिक बताया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि यूपी में मदरसे चलते रहेंगे और यूपी के 13,000 मदरसों में पढ़ने वाले 17,00,000 छात्रों के भविष्य पर संकट नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है। मदरसा एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है। शिक्षा गुणवत्ता नियम मदरसों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं है। सिलेबस के साथ छात्रों का स्वास्थ्य भी जरूरी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च को इस कानून को संवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला घोषित किया था। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से मदरसों के विद्यार्थियों को औपचारिक विद्यालयों में भेजने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मदरसों के विद्यार्थियों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने 5 अप्रैल को उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई अर्जियों पर 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश योगी सरकार के लिए क्या मायने रखता है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि राज्य शिक्षा के मानकों को रेगुलेट कर सकता है। सरकार शिक्षा को नियमित कर कानून बना सकती है। योगी सरकार पूरी तरह से एक्ट के खिलाफ नहीं थी। योगी सरकार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात भी रखी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पूरे कानून को असंवैधानिक नहीं मानना चाहिए था। एक्ट के सिर्फ उन प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। एक्ट को पूरी तरह खारिज करना उचित नहीं है। यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मदरसा एक्ट में बदलाव जरूर किए जा सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह रद्द करना ठीक नहीं है। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों की मान्यता खत्म कर दी गई थी। सरकार ने मानक पूरा करने वाले मदरसे यूपी बोर्ड, CBSE या फिर ICSE से मान्यता लेकर प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर संचालित करने का आदेश जारी किया था। जो मदरसे मानक पूरा नहीं करते हैं उन्हें किसी भी बोर्ड से मान्यता नहीं मिलेगी और इनका संचालन बंद हो जाएगा। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी बेसिक या माध्यमिक विद्यालयों में कराया जाएगा। 2004 में यूपी में मदरसों को लेकर कानून बनाया गया था। कानून के तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। मदरसों में शिक्षा को व्यवस्थित करना मकसद था। मदरसों को मान्यता के लिए न्यूनतम मानक पूरे करने जरूरी थे। यूपी में 13,000 मदरसों को बोर्ड से मान्यता मिली है, जबकि करीब 8,500 मदरसों को बोर्ड से मान्यता नहीं मिली है। बहरहाल यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने स्वागत किया है, तो वहीं विपक्षी दल इस सुप्रीम आदेश को योगी सरकार के लिए झटके के रूप में देख रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।